नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे चैनल के जो अतिथि हैं उनका नाम है, वो है फौजी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम मनोहर मलिक जी। मलिक जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। धन्यवाद कोमल। सर, आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हमारी राजनीतिक और संस्कृति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोमल, हमारी जो संस्कृति है या संस्कार हैं वो दुनिया में सबसे ऊंचे दर्जे के रहे हैं, सबसे ऊंचे दर्जे के रहे हैं। भारतवर्ष की, यानी भारतवर्ष तो अतिथि देवो भय आप बोलते हैं, तो वो मतलब यही कि हमारे यहाँ बहुत इज्जत की जाती है, आपस में भी और बाहर वालों की भी। लेकिन बड़ा दुख है कि नकारात्मक राजनीति की वजह से हमारे संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति बिल्कुल बर्बाद होने के उस पर कगार पर पहुंच गई है। बहुत ही दुखद है, हमें इस राजनीति से बिल्कुल इसको अलग करना पड़ेगा कोमल। बहुत ही दुखद है ये, क्योंकि जब संस्कार और संस्कृति, अब जैसे बड़े छोटे का, मैं हमारे टाइम की भी, मैं जब हम छोटे थे, मैं बताता हूँ कि बड़े छोटे का कितना आपस में छोटा बड़े की इज्जत करता था, बड़ा छोटे को प्यार करता था, आज सब खत्म हो गया है। आज तो बाहर के छोड़िए, आप घर में, परिवार में भी बाप बेटे के रिश्ते खराब हो रहे हैं, बहन भाई के रिश्ते खराब हो रहे हैं, माँ बेटी के रिश्ते खराब हो रहे हैं। बहुत दुखद है ये, बहुत दुखद है। ये चीज़ें तुरंत हमें संभालना होगा, क्योंकि इसमें राजनीति की इन्वॉल्वमेंट सारी आ गई है। और राजनीति वाले क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी दुकानें चला रहे हैं, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है, हमारे बच्चों में संस्कार सही हैं या नहीं हैं, कल ये समाज में जाएंगे, पढ़ लिख के कहीं जॉब करेंगे या कुछ भी आगे और जिस भी काम में लगेंगे। तो ये अगर संस्कार नहीं होंगे तो वो कहाँ कामयाब होंगे, कामयाब हो ही नहीं सकते। लेकिन इनको कोई चिंता नहीं है, ये बहुत ही दुखद है कि इतना भयानक दृश्य होता जा रहा है। आज हमें इसको तुरंत हमें रोकना पड़ेगा कोमल, बहुत बहुत ही चिंता का विषय है ये कि संस्कृति हमारी आज हमें बिल्कुल एक दूसरे को नीचा गिराने के उसमें चक्कर में रहते हैं। हम जगह जगह कत्लेआम हो रहे हैं, एक दूसरे से झगड़े फसाद हो रहे हैं, परिवारों में झगड़े हो रहे हैं, पड़ोस में झगड़े हो रहे हैं, ये बहुत ही दुख की बात है। तो ये इस नकारात्मक राजनीति से इसको हमें अलग करना होगा, और युवाओं में, खास करके हमारे जो बेटा बेटी हैं, उनको अगर अभी से हम सारी चीज़ें प्रॉपर में संस्कार नहीं देंगे, प्रॉपर उनको शिक्षाएं नहीं देंगे, तो वो कैसे कामयाब होंगे? और जब उनके संस्कार नहीं रहेंगे, प्रॉपर शिक्षा नहीं रहेगी, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? देश तो पिछड़ जाएगा। हमारे देश को आगे ले जाना है, भारतवर्ष को आगे ले जाना है, भारत की संस्कृति को हमें ज़िंदा रखना है, तो हमें नकारात्मक राजनीति को एक्चुअली दूर करना होगा, इस राजनीति को बदलना होगा, तुरंत ये सिस्टम बदलना होगा। फौजी जनता पार्टी का ये कमिटमेंट है, ये संकल्प है कि हम बिल्कुल भी नकारात्मक राजनीति का कोई जगह नहीं होगी, यहाँ कोई जगह, कोई एंट्री नकारात्मक की सोच की नहीं होगी। तो बिल्कुल हम सकारात्मक राजनीति करेंगे, पॉजिटिव राजनीति करेंगे, और हमारे पूरे जितने युवा हैं, क्योंकि देश की असली ताकत तो युवा हैं, लेकिन युवा हमारे दिशाहीन हैं, उनको दिशा नहीं मिल रही, क्योंकि हर पार्टी उनको अपने तरीके से, उनको अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए वही एजेंडा उनको बता रही है। देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए क्या भला है, क्या अच्छा है, उसको कोई नहीं बता रहा है। ये बहुत बहुत दुखद है। हमारी संस्कृति और संस्कार तुरंत हमें संभालने होंगे, तुरंत संभालने होंगे, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा देश। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।